और इसकी हमने कोप भी अपनी 3 फीट की बनाई है। तो ये हमारे इस साइड से हमारे बेड लगेंगे। तो जैसे कि हमने ये वाली छत में टेपर सीलिंग बनाई थी ऊपर, ऐसे ही सेम इसमें बनाई है। ये जो है हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल होगी। हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं साइट पर। आज हम आए इंटीरियर डिज़ाइनिंग की साइट पर, तो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे बहुत सारी विला हैं, ये आपकी लग्जरी विला हैं, हम इसे गोल्फ व्यू विला भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे जो इसका लग्जरी आपका वर्क चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर जो पेंट वर्क है वो किस तरीके से कैसे किया जा रहा है, आपका जो फॉल सीलिंग का वर्क है वो किस तरीके से किया जा रहा है, आपकी कौन कौन सी यहाँ पर फ्लोरिंग की जा रही है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम मिलवाते हैं अपने जो हमारे साइट इंजीनियर आदिल खान सर, उनसे आपको मिलवाते हैं और वो आज आपको बताएंगे कि इस तरीके से वो यहाँ पर वर्क करा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। मेरा नाम आदिल खान है और मैं यहाँ पर साइट इंचार्ज हूँ और पूरा काम मैं ही इधर देख रहा हूँ। और मैं आपको आज सारे काम आपको बताऊंगा, जैसे कि फॉल सीलिंग है, पेंट है, टाइलिंग वर्क है, स्टोन वर्क है और आपका जो भी सारा हम जो काम करा रहे हैं आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो पहले सर आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप बताइए कि यहाँ पर जो फॉल सीलिंग है वो किस तरीके से आप करा रहे हैं, क्या क्या उसमें मटेरियल यूज़ होता है। चलिए हम चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके। जी जी, अंदर चलते हैं। जैसा कि हमने इस रूम में फॉल सीलिंग की हुई है और ये फॉल सीलिंग जो है टेपर सीलिंग थी, हमने इसमें टेपर सीलिंग की है और ये बैंड बनाए हुए हमने कंसील लाइट के लिए, एक डिज़ाइन के लिए होते हैं जिसमें हमने कोप भी दे रखी है। और ये कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। ये जो होती है इसका पहले हम एक फ्रेम बनाते हैं, जो फ्रेम हमारा होता है स्टील में या एसएस में हम जो कह सकते हैं उसमें हम फ्रेम बनाते हैं, वो फ्रेम हमारा स्क्रू में और फास्टनर में हैंग होता है। और वो आपको हम क्या मटेरियल होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होती है हम जो आपको फ्रेम में बांधते हैं। तो सर आप अपना कैमरा दे लीजिए। ये जो होती है हम ये चीज़ का फ्रेम लेते हैं और फ्रेम में हम ये चीज़ लगाते हैं, ये हमारा फास्टनर पे हैंग होता है और ये जो चीज़ होती है ये इस पर स्क्रू पे हैंग होती है। और ये हम जब अपना फ्रेम कंप्लीट करने के बाद में फिर हमारी इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होने के बाद में फिर हम एक लोहे की जाली लगा देते हैं, जिस पे जाली लगाने के बाद में फिर हम अपनी पीओपी करते हैं, पीओपी का प्लास्टर। पीओपी प्लास्टर होने के बाद में हमारी फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर जब हमारा पेंट वर्क स्टार्ट होता है, जब इस पे पेंट का बेस बनना स्टार्ट होता है फिर हम इसमें अपनी लाइट लगाते हैं ताकि पेंट में जो भी हमें मतलब गड्ढे वगैरह जो भी जो कमी हो वो सब कुछ अपना इसमें दिखता रहे। तो ये हमारी फॉल सीलिंग होती है। अच्छा, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमारा क्या चीज़ रनिंग फिट में हमारी मेजरमेंट में जाती है और क्या स्क्वायर फिट में जाती है। तो जो हमारी ये आपको कोप दिख रही है, ये जो एक 2 इंची की एक आपको लाइन सी दिख रही है ये कोप, ये हमारी सारी रनिंग फिट में जाती है। और ये हमारी जो बैंड दिख रहे हैं ये डेढ़ फिट का, ये हमारा स्क्वायर फिट में जाता है। और ये जो टेपर सीलिंग है ये सारी हमारी स्क्वायर फिट में जाती है। और जो हमारा इस ये कोप के अंदर हम एक स्ट्रिप लाइट लगाते हैं ताकि इससे एक अच्छा लाइट का इफेक्ट आता है। और ये हमारी कंसील लाइट होती है जिसका मतलब जो इफेक्ट होता है वो डाउन पे मतलब फ्लोर पे ही आता है। और ये जो है ये फैन हमने दे रखा है, ये पहले फैन हमारा ये यहाँ पर था मतलब सेंटर आउट था, ये हमने अब सेंटर में कर रखा है रूम के। और ये हमने एक वायर जो छोड़ रखी है ये हमारी हैंगिंग लाइट है। ये जो हमने लाइट के पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको स्टडी टेबल के हैं, ये स्टडी टेबल हमारा इस कॉर्नर से यहाँ इस कॉर्नर तक हमारा स्टडी टेबल होगा, यहाँ पर हमारी एक चेयर होगी और ये पूरी वॉल पे हमारा स्टडी टेबल आएगा और यहाँ पर हमारा एक सोफ़ा आएगा और सोफे के साइड से ये हमने अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे रखे हैं। और ये इस वॉल पे हमारा जो है एक टीवी यूनिट आएगा, टीवी यूनिट हमारा जो होता है ये हमारा टीवी के लिए एक सॉकेट है और ये हमारा सेटअप बॉक्स के लिए है जो हम अपना म्यूज़िक सिस्टम भी लगा सकते हैं। ये जो पाइप है HDMI कंड्यूट पाइप, ये HDMI जो केबल होती है टीवी में जो लगती है और फिर जाती है सेटअप बॉक्स में। तो पहले क्या होता था कि हमारी जो HDMI केबल वो टीवी से लटक के सेटअप बॉक्स में वो आपको विजिबल दिखती थी वो, लेकिन अब ये क्या है कि हमारा इसमें अपनी HDMI केबल हम यहाँ से निकालते हैं तो वो इंटरनल यहाँ से निकलती है, अब वो हमें वायर नहीं दिखती है, इसलिए हम ये HDMI पाइप का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो स्विच बोर्ड है ये पूरे रूम का मेन है, मेन ये यहाँ से हम सारे लाइट्स फैन सारे यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ये फ़ैन रेगुलेटर है, ये फ़ैन का स्विच है, ये 2-way स्विच है, ये हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं ऑफ़ कर सकते हैं और ये हम
वहाँ एक कॉर्नर पर जो हमने दे रखा है वहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही ये लाइट का स्विच है और बाकी यही सारे आपको ये सॉकेट का स्विच है, ये बाकी सारे आपको लूपिंग आपको मिल जाएगी इसमें। अच्छा, ये हमारा जो स्विच बोर्ड है ये 8 मॉडल में आता है। 8 मॉडल कैसे गिना जाता है, एक स्विच 1 मॉडल में होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा जो सॉकेट होता है वो हमेशा 2 मॉडल में आता है ये। और ये हमारी जैसे ये 2 मॉडल की प्लेट है, ये हमारी 8 मॉडल है, ये भी हमारी 8 मॉडल है। लेकिन ये जो सॉकेट होते हैं ये 6 एम्पियर है, ये जिसे आपको अगर आप पैकेट पर लिखा देखेंगे तो वो 10 एम्पियर ही होता है, लेकिन ये मतलब इंटीरियर लाइन में या वैसे इलेक्ट्रिकल लाइन में ये 6 एम्पियर में ही आता है। ये आपको ये जो स्विच है ये एसी का पावर स्विच है, ये आपको ये एसी का स्विच है, ये 32 एम्पियर का स्विच होता है ये। और ये आपको जो है ये 16 एम्पियर का स्विच है, ये आप इससे कोई भी चीज़ पावर की यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेस है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका स्विच भी आपको 16 एम्पियर का ही लगाना पड़ता है। और ये से ये हमारी 3 मॉडल की प्लेट है और ये हमारी 6 की है, जैसे ये हमारी वो 6 की है, ये 3 की है हमारी। ये जो हम आप अंदर जा रहे हैं ये हमारा है ड्रेसर, तो यहाँ पर हम एक अपनी बेडरोब खड़ी करेंगे, बेडरोब इस रूम के लिए यूज़ होगी बेडरोब। और ये अब जो हमने ये वायर एक छोड़ रखा है, तो ये वायर जो है हमारा बेडरोब खुलने के बाद में जो लाइट जलती है ये उसी के लिए हमने वायर छोड़ रखा है ये। और ये हमारा जो है हमने बेडरोब अपनी 2 फीट हमारी खड़ी होगी, 2 फीट के बाद में हमने ये अपनी साइड सेंटर में एक लाइट ले रखी है ये। और ये जो हमारा 2 मॉडल की प्लेट लगी है ये बाथरूम के स्विच के लिए है ये। ये जो 2 मॉडल का है ये हम बाथरूम की लाइट अंदर से भी जला सकते हैं और बाहर से भी जला सकते हैं। ये हमारी जो बाथरूम में फॉल सीलिंग हमने जो की है, इसकी जो पहले हाइट थी ओरिजिनल जो इसकी हाइट थी वो 15 फीट थी, लेकिन हमने इसको फॉल सीलिंग करके ये अब हमने 8 फीट कर रखी है। 15 फीट जो है बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमने ये 8 फीट कर रखी है। और ये जो साइडों से आपको ये टेपर में दिख रही है ये हमने सब कॉर्निस बना रखी है, ये हमारी एक डिज़ाइन में भी आ जाती है और अच्छी मतलब लग रही है ये। अच्छा, अब हम जो है दूसरे रूम में आ चुके हैं और इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अलग है इससे। ये जो हमने एक डिज़ाइन फ्लैट सीलिंग है ये हमारी, ये हमारा फैन पॉइंट जो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था ये सेंटर जो था हमने ये सेंटर ले रखा है बेड के सेंटर में। अब हमने ये जो आपको बैंड बनाया है ये इसमें हमने डिज़ाइन दे रखा है निश का, तो इस निश के अंदर अभी हमने लाइट नहीं लगाई है। सेम ऐसे ही कंसील लाइट इसमें छोटे साइज़ की मतलब इन 6 में आपको लाइट मिलेंगी, जिसका आपको बाद में हम दिखा सकते हैं, अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी हमने लगाई नहीं है। और इस ऐसे ही हमने ये कार्टन जो होता है कार्टन का पैलमेट हमने ये बना रखा है। इसकी कार्टन की जो रॉड पहले होती थी ना दिखती थी तो काफ़ी बुरी लगती थी, अब ये रॉड इसकी नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ कार्टन ही कार्टन दिखेगा नीचे लटकता हुआ। जो ये हमने अपना कार्टन बनाया है तो इसमें हमारी रॉड नहीं दिखेगी, अब इसमें हमारे कार्टन कार्टन दिखेंगे सिर्फ। अच्छा, हमने जो ऊपर आपको रूम में फॉल सीलिंग दिखाई थी उसकी कोप जो थी वो 2 इंच की थी, लेकिन हमने इसकी कोप बड़ा कर दी है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा गैप मिल रहा है, तो इसकी हमने कोप कर दी है आपको 3 इंच की कोप कर दी है इसमें हमने। और इसके अंदर जो हमने अपनी स्ट्रिप लाइट लगा रखी है ये काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। ये इस रूम का ड्रेसर है, अभी इधर हमारा सामान रखा हुआ है, लेकिन सेम ऐसा ही है, हमने एक वार्डरोब के लिए इधर एक वायर मतलब प्रोविज़न छोड़ रखा है हमने, और सेम वैसे ही हमारी इधर खड़ी होगी। यहाँ पर अपना फर्नीचर रखेंगे, चेयर रखेंगे, इस वॉल पे हमारा बेड आएगा और सामने वाली वॉल पे हमारा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट के लिए हमने सेम वही कर रखा है, HDMI कंड्यूट पाइप और 2 मॉडल की प्लेट, ये 8 मॉडल की प्लेट, ये 3 मॉडल की प्लेट हमने सारी लगा रखी है। और एक हमने जैसे कभी रात में इंसान वॉशरूम वगैरह जाना हो तो ये हमने एक फुटलाइट लगा रखी है, क्योंकि सारे रूम की लाइट जो है बंद होती हैं, तो ये हमारी जो है यहाँ से ऑपरेट होगी, बेड की साइड टेबल से होगी ऑपरेट, जैसे वो ऑपरेट हो गई है अब हमारी। ये हमारी यहाँ से बेड साइड टेबल से इंसान जब बेड पे से उठेगा तभी हमारी ये ऑन ऑफ यहाँ से कर सकता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आइए आपको मैं एक रूम और दिखाता हूँ जिसमें हमने राफ्टर का और अजीब मतलब एक वुडन पैनलिंग वगैरह का यूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि हमने ये वाली छत में टेपर सीलिंग बनाई थी ऊपर, ऐसे ही सेम इसमें बनाई है, लेकिन इसका जो आपको डिज़ाइन है ना सेम बिल्कुल अलग है। इसमें हमने राफ्टर का यूज़ किया हुआ है, ये राफ्टर जो है हमारे प्लाई बोर्ड के बने हुए हैं और इस पर हम जो है मतलब पेंट में पॉलिश का वर्क कर रहे हैं। इन राफ्टर में हमारी लाइट लगेंगी, दो बीच सेंटर में हमारा फ़ैन होगा, हमने कोब स्ट्रिप लाइट वगैरह सारी चीज़ यूज़ कर रखी हैं। ये जो सामने वॉल है बेड वॉल पे, इस पर हमने अपनी वुड पैनलिंग कर रखी है। और ये हमारी जो बीच में वॉल दिख रही है इस पर हमारा वॉल पेपर होगा,
तो ये वॉल पेपर तो हम बाद में ही लगाएंगे, अभी नहीं लगा सकते हम। और जो हमारी ये है बोल्डन पैनलिंग है, इस पर हमने पॉलिश कर रखी है। वीनियर पहले लगाया है, वीनियर के ऊपर से हमने पॉलिश कर रखी है। इस पर हम पॉलिश जो करते हैं वो मेलामाइन पॉलिश करते हैं। अभी इस पर पूरी तरह से फिनिश नहीं है, पूरी तरह से फिनिश जब ही होती है जब हम बिल्कुल साइड हैंडओवर कर रहे होते हैं। विंडो बनाई है इसको हमने, ये पूरी बॉल एक मतलब विंडो लगी थी, हमने इसको विंडो निकाल के आगे एरिया बढ़ाया है। और यहाँ पर हम अपनी एक सीटिंग डालेंगे, उसके बाद में हमने ये एरिया बढ़ाने के बाद में अपनी विंडो लगानी है। इसके हमने वुडन सीलिंग कर रखी है, इसमें भी वीनियर का यूज़ किया है, पॉलिश का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पर बीच में हमारा एक फ़ैन होगा, दोनों तरफ हमारी एक लाइट होंगी और ये यहाँ से ऑपरेट होंगी ये सारी। अब आपको मैं बताऊँगा लॉन्च रूम के बारे में। तो ये हमारा जो है लॉन्च रूम है, यहाँ पर सिर्फ हमारे सोफे ही सोफे हम डालेंगे। और इसकी हमने जो फॉल सीलिंग बनाई है, ये बीच में भी हमने फॉल सीलिंग कर रखी है क्योंकि इसका जो पार्ट था वो ऊपर था काफ़ी, और इसमें हमने साइड से बैंड बना रखे हैं। ये हमारा काफ़ी बड़ा रूम है तो इसलिए हमने बैंड इसके 2 फीट के बना रखे हैं। और इसकी हमने कोप भी अपनी 3 फीट की बनाई है। ये जो हमने सामने डिज़ाइन दिए हैं तो ये हमारे MDF के हैं ये, और MDF इसके ऊपर हमने अपना डीको कर रखा है। और इसके अंदर हम एक्रेलिक शीट लगाएंगे, एक्रेलिक शीट के बाद में इसके अंदर एक लाइट जलेगी जिसका मतलब इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमने ये वाली जो अपनी वॉल है, ये इस वॉल पर भी हमने अपनी POP कर रखी है और इसमें हमने ग्रुप दे रखे हैं। तो ये हमारी इस रूम की POP है और ये हमारी POP इसमें कम्प्लीट हो रही है। ये हमारा इस रूम का ड्रेसर है और ये हमारा मास्टर जो रूम है उनका ड्रेसर है ये। तो ये हमने ड्रेसर में हमारी यहाँ पर बेडरॉप खड़ी होगी एल शेप में, एक इस वॉल पे हमारी बेडरॉप खड़ी होगी। और सेम हमने अपने वही अपना कर रखा है, जैसे कि लाइट का अपना एक प्रोविज़न दे रखा है यहाँ पर, और एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ। यहाँ पर हमारा एक ड्रेसर मिरर आएगा जहाँ पर मतलब कोई भी इंसान बैठ के अपना मतलब मेकअप वगैरह कर सकता है। और डाइनिंग रूम दिखाऊँगा आपको। तो ये हमारा जो पूरा हॉल है, ये लिविंग रूम और डाइनिंग रूम है। ये पार्ट जो है हमारा लिविंग रूम है और ये पार्ट जो है हमारा ये डाइनिंग रूम है। तो पहले मैं आपको लिविंग रूम के बारे में बताता हूँ। ये हमने लिविंग रूम में जो फॉल सीलिंग कर रखी है, तो ये हमारे इस साइड से हमारे बेड लगेंगे। ये हमने एक फॉल्स वॉल बना रखी है ये, तो ये हमारी इसके अंदर कोब होंगी, इसके अंदर लाइट जलेंगी। और ये हमारी जो है इस पर हमारा टेक्सचर पेंट होगा, टेक्सचर पेंट। ये अभी हमारी कम्प्लीट नहीं है, इस पर अभी हमने सिर्फ POP कर रखी है, अभी इसमें हमने पेंट वगैरह कुछ नहीं किया है। और इसके बाद में हमारे ये हमारा एक यहाँ पर सोफे इस तरीके से पड़ेंगे, एक यहाँ पर पड़ेंगे, और वो एरिया हमारा जो है वो है हमारा डाइनिंग एरिया। तो आपको मैं डाइनिंग एरिया के बारे में बताता हूँ। ये जो है हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल होगी और ये हमारा एक मतलब बार बनेगा। बार के लिए हमने ये सारे लाइट के प्रोविज़न दे रखे हैं। अभी ये सारा काम जो है वो किचन का चल रहा है, किचन का मतलब ये काम कर रहे हैं ये सारी लेबर। और ये हमने अपनी 2 AC वाला लगा रखी है लिविंग और डाइनिंग के लिए। और ये हमारी जो है फॉल सीलिंग, ये हमने अपनी एक टेपर डिज़ाइन की हमारी फॉल सीलिंग है, ये फॉल सीलिंग हमारी ये सारी टेपर डिज़ाइन की। इसमें सारी मतलब कोप का ही एक यूज़ किया गया है और इसमें सारी कोप लाइट का यूज़ किया गया है। और ये हमारी एक TV यूनिट का ये बॉल है क्योंकि हमने डाइनिंग के लिए जब बैठेगा इंसान तो TV पे मतलब डाइनिंग यहाँ से देखेगा अपनी TV। जैसे कि आपने देखा, हमने बात किया था फॉल सीलिंग के बारे में, आपकी कौन कौन सी फॉल सीलिंग की जा रही है। यहाँ पर आदिल सर ने आपको सारा डिटेलिंग में बताया था किस तरीके से वहाँ पर कोप्स लगाई जा रही हैं, आपकी स्ट्रिप लाइट किस तरीके से लगाई जा रही है, कौन कौन सी फॉल सीलिंग से क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसमें, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है करने का, वो सारी चीज़ के बारे में आपको आदिल सर ने डिटेल्स में बताया था। तो ऐसे ही आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।